बैठिए भाई। देखिए कल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल बताया जा रहा था, यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका। और कल जो बताया गया था थोड़ा बहुत दोहरा दिया जाए। अभी प्रियम्बल में आपका कुछ सामान्य बातें बताई गई थी, सामान्य। अभी प्रियम्बल आपका मैंने शुरू किया गया था, एक दो शब्द ही बताए गए थे। आपका जो सामान्य बातें बताई गई थी वह ये बताई गई थी, सामान्यतः किसी भी कानून में एक प्रियम्बल दिया जाता है। प्रियम्बल इसलिए दिया जाता है कि उस कानून को बनाने के पीछे लक्ष्य क्या है, क्या है ये शुरुआती दौर में ही एम क्या है बता दिया जाए। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी वे लक्ष्य प्रयोजन समाहित है, जिस प्रयोजन के लिए, जिस एम के लिए हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अतः ऐसी दशा में यदि आपका मने संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानना हो, विचारों को जानना हो, थाट को जानना हो कि वह भारत को कैसा बनाना चाहते थे, तो इसका सार गर्भित रूप कहाँ दिया गया है, प्रियम्बल में। यानी कि किसी कोई व्यक्ति और केवल हमारा प्रियम्बल पढ़ ले तो कम से कम उसे एक रफ आइडिया मिल जाएगी कि ये संविधान किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया है। इसके बाद आपका बताया गया कि प्रियम्बल होता है आपका कुंजी कहा जाता है कानून की। तो ये क्वेश्चन आपका बिहार में इस बार आया था कि संविधान की या कुंजी कौन है, तो आपका प्रियम्बल यानी कि उद्देशिका। जहाँ तक उद्देशिका की बात है, आपका उद्देशिका को ये भी बिहार में पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान सभा में क्या पेश किया गया। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की बैठक हो रही थी तो सबसे पहले डेट वाइज याद रखना है, 13 दिसंबर 1946 को, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले, लाइए बैटरी चेंज किया जाए। देखिए, जो सबसे पहले आपका संविधान सभा में भी बिहार में ही आ चुका है क्वेश्चन, जो सबसे पहले संविधान सभा में पेश किया गया था वह हमारा प्रियम्बल ही था। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, और वही उद्देश्य प्रस्ताव वर्तमान में उद्देशिका के रूप में संविधान में उल्लिखित है। यानी कि प्रस्तावना के बारे में एक और विशेषता है कि ये जो है सबसे पहले पेश की गई थी और सबसे लास्ट में पास की गई, ये भी पूछ सकता है। तो 22 जनवरी 1947 को इसे संविधान सभा ने पास किया, यानी कि जब पूरा संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया, इसके बाद से लास्ट में हमारी संविधान सभा ने प्रियम्बल को पास किया, ये याद रखिए। तो सबसे पहले पेश की गई और पास कब किया गया,
सबसे अंत में डेट वाइज याद है किसने पेश किया ये बिहार में क्वेश्चन आया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद आपका आत्मा कुंजी आत्मा बताई गई थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जस्टिस हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान की उद्देशिका को भारत संविधान भारत के संविधान की आत्मा या सोल कहा है, और ठाकुर दास भार्गव ने भी इसे आत्मा कहा है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तत्पश्चात आपका बताया गया कि जो ये प्रियम्बल है ये अमेरिका से ली गई है, लेकिन इसमें जो प्रवाहमयी भाषा का यूज हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। प्रियम्बल हमारा जो प्रियम्बल है ये दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग जो है वह आपका पर्पज या उद्देश्य दिया गया है, और दूसरा भाग अधिनियमित खंड है। अधिनियमित खंड का मतलब नीचे लिखा गया है कि किस तारीख को यह संविधान बनकर तैयार हो गया, तो डेट प्रियम्बल में लिखी गई है 26 नवंबर 1949। एक साथ हम बताएंगे कब बनकर तैयार हुआ, कब साइन हुई, कितने लोग साइन किए, कब लागू हुआ, ये एक साथ जब हम 26 नवंबर आएंगे तो तीन चार डेट बताएंगे, जिसमें से पीसीएस में भी एक क्वेश्चन इस बार बना था, इसमें और बीएचयू एलएलएम में भी क्वेश्चन बना था, तो उसको एक साथ हम तीन चार बताएंगे। इसके बाद आया जाए आपका प्रियम्बल को शुरू किया जाए। हाँ, प्रियम्बल में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा निहित है या समाहित है या वेस्टेड है, यानी कि लोक भारत एक जन कल्याणकारी राज्य होगा, यानी कि भारत की जो सरकारें होंगी वह जनता की भलाई के लिए काम करेंगी। ये बातें प्रियम्बल में ही दी गई हैं, लेकिन फिर याद रखिए ये बातें डीपीएस यानी कि नीति निदेशक तत्व में भी दी गई हैं, संविधान के भाग चार में। तो जो यूपीजे में क्वेश्चन आया है उद्देशिका भी दिया, आपका भाग चार भी दिया, दोनों में एक चुनना हो तो भाग चार यानी कि नीति निदेशक तत्व मारिए, और दोनों आ जाए तो दोनों, और अगर भाग चार न रहे संविधान का और केवल क्या रहे आपका उद्देशिका, तब आप केवल उद्देशिका मारिए। भाई क्वेश्चन का मॉडल पर भी गौर करना है कि क्या उसमें ऑप्शन दिया है। इसके बाद आपका जो बताया गया था कि क्या आपका ये भी क्वेश्चन पिछली बार भी आया था कि क्या जो हमारा ये प्रियम्बल है ये संविधान का पाठ या अंग या भाग या हिस्सा है कि नहीं, इस पर कम से कम दो केस याद रखिएगा। पहला आपका जो केस है इनरी बेरुबारी, और दूसरा केशवानंद भारती। ये भी क्वेश्चन यूपीजे में कई बार रिपीट किया है। क्वेश्चन आपका घुमाकर पूछा था कि किस केस में सर्वप्रथम ये विवाद उत्पन्न हुआ था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, तो इनरी बेरुबारी, और पार्ट माना गया कि नहीं माना गया, नहीं माना गया, लेकिन इस निर्णय को अपास किया गया, सेटेसाइड किया गया, उलट दिया गया केशवानंद भारती के वाद में। और दो लाइन यहाँ समझना है कि इस वाद में ये माना गया कि भारतीय संविधान के उद्देश्य का संविधान का भाग है, और दूसरा आपका इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके बाद आइए अगला पॉइंट पर चला जाए, संशोधन की बात आ जाइए। तो ये भी पूछा गया है कि प्रियम्बल में अब तक कितनी बार एमेंड हुआ है। एक बार हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, और 42वां संविधान संशोधन के बारे में आपका क्वेश्चन बना ही था, यानी कि क्वेश्चन बना ही था बिहार में कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, तो 42वें। याद रखिएगा तीन क्वेश्चन बिहार का निकल गया संविधान से, जो
अभी एपीओ में ही आया था, अभी पूरा संविधान हुआ भी नहीं, केवल अभी क्या चल रहा है प्रियम्बल, अभी तो अनुच्छेद शुरू ही नहीं हुए। तो प्रयास यही करना है कि यूपीजे प्री होते होते आपका संविधान कम से कम इतना पढ़ा दिया जाए कि 70 नंबर में, माने 75 नंबर का आता है जीएस और लॉ मिलाकर, नंबर हम बता रहे हैं क्वेश्चन नहीं, उसमें 65 से 70 नंबर आपका सही हो। अगर 65 से 70 इधर कर ले जाते हैं तो आपका 125 या 300 मेरिट जाती हैं, तो उसमें आपका काफ़ी फायदा मिलेगा। अन्य कानून थोड़ा कम भी किए रहेंगे जीएस में भी तो आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मेरिट बनती हैं जीएस और लॉ का पेपर मिलाकर बनती हैं, अलग अलग नहीं, दोनों पेपर मिलाकर आपका जनरल के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क है प्री में, भाई ये भी सतर्क रहना है। अगला पॉइंट देखा जाए भाई आपका, एक बार एमेंड हुआ है और आपका जो जो शब्द जोड़े गए हैं, एक सोशियलिस्ट यानी कि समाजवादी, दूसरा सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, तीसरा आपका जो जोड़ा गया है और अखंडता, अब यहाँ भी समस्या है कि भाई तीन शब्द माना जाए कि चार शब्द, तो कई विद्वान तीन ही मानते हैं कि और का मतलब ज़्यादा नहीं होता, वह तो केवल और केवल कंजक्शन के लिए या जोड़ने के लिए रखा गया है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि तीन शब्द जो हैं सार्थक हैं, आपका पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता, और एक शब्द जो रखा गया है अखंडता के पहले एंड, वह आपका निरर्थक है, वह केवल दो शब्दों को क्या करने के लिए रख दिया गया है, जोड़ने के लिए। तो कंपटीशन में जो आ रहा है आपका, कंपटीशन में मैं देख रहा हूँ कितने वर्ड ऐड किए गए, तो तीन ही मान रहा है, क्योंकि एंड का कोई महत्व नहीं है ज़्यादा, इसीलिए मान रहा है कंपटीशन में। अब आइए प्रियम्बल का शुरू किया जाए भाई, निर्वचन में महत्व लास्ट में हम बताएंगे। आइए पहला जो शब्द है प्रियम्बल का, वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी कि हम भारत के लोग, यहाँ से कल हम डिटेल में बताए थे, फिर 2 मिनट भाई दोहरा दें, कल के सहित डिटेल में इसको बताया गया था। अब देखिए क्वेश्चन का मॉडल भी समझते रहना, इसमें पहला आया हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो शब्द है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देशिका में भी ये ऐसा ही शब्द लिखा गया है, वी द पीपुल ऑफ यूएनओ यानी कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, और अमेरिका में भी लिखा है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ क्या है, तो 7-8 नियमों को याद रखना है, कल बताया गया वी यानी कि हम, आपका मैं नहीं लिखा है, हम मतलब कि पूरे भारत के लोग, यानी कि पहला नियम ये आया कि संविधान की रचना भारत के लोग ने किया है, दूसरा ये आया कि जो संप्रभुता होती है सावरेंटी होती है वह भारत के लोगों में समाहित है, तीसरा मतलब ये हुआ कि जनता का कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को पा सकता है, चौथा मतलब ये हुआ कि जनता ही सर्वोच्च है, यानी कि भारत में प्रजातंत्र है लोकतंत्र है, आपका जनता जिसको चाहे उसको अपने सिर पर बैठाए या सिर से उतार दे, यानी कि जिसको जनता चाहेगी वही जनता पर शासन करेगा। फिर आपका बताया गया कि लास्ट लाइन से जोड़कर पढ़ना है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया हम भारत के लोग, जो लास्ट लाइन है कि 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछा है कि भारतीय संविधान किसको आत्मार्पित है, किसको समर्पित है, तो सरकार को नहीं,
किसको? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो शब्द को आगे बताया जाएगा अभी तीनों शब्द को, लेकिन पहला शब्द जब पढ़िएगा तो जो लास्ट लाइन है वहां से क्या करके कोरलेट। इसके बाद आपका दो केस कल बताया गया था, फिर हम दोहरा देते हैं। पिछली बार यूपीजे में इसमें से एक केस पूछा गया था, एसपी गुप्ता वाला केस, यानी कि आज का क्लास का चौथा क्वेश्चन हम जो अभी आया है तत्काल में, यानी कि आपका यूपीजे और यूपी बिहार जे और बिहार एपीओ में, उसमें चौथा क्वेश्चन हम प्रियम्बल पढ़ाते समय बता रहे हैं। और आपका इसी प्रकार क्वेश्चन डेली आपका लगभग 50 क्वेश्चन अब निकालने का समय आ गया है कि अब जब आ जाती है वैकेंसी तो जितने टेक्निकल क्वेश्चन बनते हैं सबको एक एक करके निकाल कर समझाया भी जाता है। तो आइए देखा जाए, आपका दो केस बताया गया था। पहला केस था माधव राव सिंधिया बनाम भारत संघ का 1971 का, इसका उपनाम भी याद रखिएगा, कल बताया गया था क्या उपनाम था? प्रिवी पर्सवाद। और इस केस में सावरेंटी या संप्रभुता को दो वर्गों में बांटा गया, जो लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक या डेमोक्रेटिक सावरेंटी है वह पीपुल या वी द पीपुल ऑफ इंडिया में समाहित है, और जो लीगल सावरेंटी है विधिक संप्रभुता है, तो विधिक रूप से संप्रभु कौन है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। फिर दूसरा केस बताया गया, एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982। मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है पीएन भगवती, और इस केस में तीन चार एंगल से बताया गया। पहला एंगल पीआईएल या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या लोक हितवाद की परिभाषा दी गई, उत्पत्त की गई, तो उत्पत्तकर्ता कौन जज हो गए? आपका पीएन भगवती। दूसरा एंगल आपका जो पूछा गया था यूपीजे में कि किस केस में सात जजों की पीठ बैठी थी, तो एसपी गुप्ता। चार केस दिया था, कितने से निर्णय आया ये भी सतर्क रहना है। नेटवर्क में तो आपका अल्पमत में जो निर्णय दिया है वह पूछना शुरू कर दिया है, तो चार पक्ष में जज थे और तीन क्या थे? विरोध में, यानी कि चार तीन से क्या आया, तो तुरंत आपको समझना चाहिए कि अगर कोई जज बहुमत क्या अपना कोई जज अलग राय या अलग निर्णय दे सकता है कि नहीं, तो ये दे सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता है, आर्टिकल 145 यानी कि अनुच्छेद 145 ये बता देता है कि कोई जज अपनी विसम्मत राय प्रकट कर सकता है और उसे अपना अलग से निर्णय देने की हक है। तो आपका अब मान लीजिए कि सात लोग हैं, तो भाई अगर अलग अलग निर्णय देते हैं तो अब ये देखा जाएगा कि बहुमत किधर है। तो अगर चार एक की ओर हुए और सात एक की ओर, तो बहुमत का फैसला क्या होगा? मान्य होगा। अब अगर मान लीजिए आपका तीन हो गए इधर उधर, तीन हो गए, तो रेफरी का सिद्धांत लागू होगा, वो आगे बताया जाएगा, उतना लंबा न चला जाए, बहुत लंबा चल जाएगा आपका चारों तरफ। तो बस ये जानिए कि अल्पमत में निर्णय दे सकते हैं कि नहीं जज, माइनॉरिटी में दे सकते हैं। अगला देखा जाए आपका, वी द पीपुल ऑफ इंडिया के बाद जो शब्द लिखा है भारत को, यानी कि हम भारत के लोग, भारत को, कल भारत शब्द बताया गया, इंडिया अर्थात भारत अर्थात इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। क्लाज वन में दिया गया है, और भारत में कौन स्टेट संघ शासित प्रदेश होंगे, कल बताया गया था। इसका उल्लेख भी कहाँ किया गया है? प्रथम अनुसूची। और उत्तर प्रदेश का क्रम चौथा है, हो सकता है 13वां बताया गया, रट कर जाए वे कई क्वेश्चन रटिए जीएस का भी। अगला शब्द देखिए भाई, अब अगला जो शब्द है, हम भारत के लोग भारत को, एक
अब ये जो शब्द हैं ये क्रम मिलाने के लिए आता है। तो पहला आपका शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा शब्द है आपका समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी। जो तीसरा शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये भी अर्थ इसका पूछा गया जे में। इसके बाद लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक, और इसके बाद क्या है गणराज्य यानी कि रिपब्लिक। जहाँ तक अब क्रम सही याद रखिएगा, आपका जो पूछा जाता है कि कौन सा सही क्रम है। अब होगा क्या कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद आपका समाजवादी देखिएगा, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब इसी में चार ऑप्शन देगा और कौन सा क्रम सही लिखा गया है ये आपका पूछा जाता है। तो पहले तो क्रम पहला पॉइंट याद रखना है। अब ये जो पांच शब्द हैं इनकी थोड़ा व्याख्या की जाती है, और जब भी व्याख्या करिए कुछ केसों का सहारा लेकर करिए, यानी कि कुछ केस का आप सहारा लेंगे और तब आपका इनकी व्याख्या की जाएगी। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि आपका कह सकते हैं कि पूरी तरह से सावरेन। अब सावरेंटी पहले देखी जाए और इसको जुरिस्प्रूडेंस से जोड़ना है। जहाँ तक संप्रभुता की बात है, आपका दो शब्द पहले जानिए, एक सावरेंटी एक सुपरमेसी। अब इंटरव्यू में जो पूछा जाता है कि क्या संप्रभुता और सर्वोच्चता में अंतर है कि दोनों एक ही हैं, तो आपका अंतर है और आपका दोनों में पहले अंतर समझिए। संप्रभुता का मतलब ये हुआ, सावरेंटी का मतलब हुआ कि भारत कोई भी कार्य करेगा या भारत की संसद कोई भी कानून बनाएगी तो न तो किसी इंटरनल प्रेशर में बनाएगी और न ही कोई एक्सटर्नल यानी कि विश्व के किसी देश के दबाव में कोई कार्य नहीं करना है और आंतरिक दबाव में भी नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम विश्व के किसी देश के दबाव के आगे झुक कर कोई कानून नहीं बनाएंगे। हम सावरेन हैं, हम जो चाहें सो कानून बनाएं, किसी के दबाव में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक और बाह्य दबाव से सरकार मुक्त होगी और मुक्त होकर आपका स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करेगी। किसी के दबाव के आगे झुकने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी को सावरेंटी कहते हैं और संप्रभुता का सावरेंटी कहते हैं। और जहाँ तक सर्वोच्चता की बात है, सर्वोच्चता का मतलब ये होता है कि जो कानून पार्लियामेंट बना देगी उस कानून को रद्द करने का अधिकार किसी को नहीं होगा। यानी कि फिर एक बार हम बता रहे हैं दोबारा, दोनों शब्द देखकर एक लाइन में। सावरेंटी का मतलब कि इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाह्य दबाव से मुक्त होना, और सर्वोच्चता का मतलब कि जो लॉ बना दिया है पार्लियामेंट ने उस लॉ को रद्द केवल पार्लियामेंट ही कर सकती है और किसी को पावर नहीं है। तो हम कहेंगे कि आपका कह सकते हैं कि संसद सर्वोच्च भी है, लेकिन जहाँ तक भारत की बात है संप्रभुता तो है लेकिन सर्वोच्चता का दायरा सीमित है। क्योंकि भारत में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में एमेंड करती है, तो हमारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू का पावर है, यानी कि इनके द्वारा बनाए गए कानून को ये कह के कि यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, हमारी न्यायपालिका
नल एंड वॉयड या शून्य या अवैध या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो जब भी आए, या इसमें क्वेश्चन आया है कि क्या भारत की संसद सर्वोच्च है, तो बस ये देखिएगा कि विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए भारत की संसद क्या है, सर्वोच्च। तो वह विधिक सीमा क्या है? तो एक तो संविधान कुछ सीमा लगाता है और दूसरी सीमा कोर्ट ने लगाया है, यानी कि विवक्षित मर्यादा कहा जाता है, इम्प्लाइड लिमिटेशन। किसने लगा दिया? कोर्ट ने, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाइए, एमेंड करिए, लेकिन एक सीमा हम लगा रहे हैं, उस सीमा के बाहर न जाइए, अर्थात आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब न करिए। ये याद रखिए, ये किसने सीमा लगाई है, ये संशोधन पर किसने प्रतिबंध लगाया है? हमारा संविधान लगाता है कि कोर्ट ने, और किस केस में ये लगा दिया? केशवानंद भारती, बताया जाएगा आगे डिटेल में आपका। अगला पॉइंट पर आ जाए भाई, जहाँ तक सावरेंटी की बात है, इंग्लैंड से फिर जोड़ना है, सावरेंटी का थोड़ा इतिहास भी देखना है। संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम हाब्स ने प्रतिपादित की। किसने? हाब्स ने। हाब्स के चेले निकले जर्मी बेंथम। तो जर्मी बेंथम ने कहा कि आपका ला इज द कमांड ऑफ सावरेन विद संप्रभु का समादेश। जर्मी बेंथम का चेला था ऑस्टिन, तो ऑस्टिन ने थोड़ा गंभीरता से कह दिया कि ला इज द कमांड ऑफ सावरेन, यानी कि विद संप्रभु का क्या है? समादेश। तो ऑस्टिन जब जुरिस्प्रूडेंस में फिर से बताया जाएगा, तब आपका ऑस्टिन संप्रभुता के गुण क्या बताते हैं, क्या क्या होना चाहिए, लेकिन आपका उतना भी नहीं जानना है, बस एक कहावत देखकर आगे बढ़ना है। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वह सावरेन भी है, सुप्रीम भी है, यानी कि संप्रभु भी है और सर्वोच्च भी है। अब सर्वोच्च क्यों है, क्योंकि संप्रभु क्यों है? तो आपका लोमले एक विद्वान था और लोमले ने ये कहा था कि इंग्लैंड की संसद नर को नारी और नारी को नर बनाने के सिवाय कोई भी कानून पास कर सकती है, और न्यायपालिका उन कानूनों में भारत की तरह रोज रोज दखल नहीं देती, दखल देने का हक नहीं है। तो इंग्लैंड की संसद क्या है? सावरेन भी है और सुप्रीम भी। वहाँ कानून जो बन गया, अगर ये कानून बन गया कि जितने पुरुष हैं बुर्का पहन के निकलेंगे तो कोई पुरुष कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, और यहाँ तो तुरंत दूसरे दिन एक तो PIL दायर हो जाएगी, ये मनमाना है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या लगाए, रोक, ये तो हमारी निजता का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या है, हनन है आपका, तुरंत चले जाएंगे। और इंग्लैंड में ऐसा कोई नियम ही नहीं है, लोमले ने कहा था ये। आगे देखा जाए, अब ये कहा जाता है कि जो कॉमनवेल्थ के देश हैं, जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, भारत उनका मेंबर है, तो यहाँ से तो सावरेंटी प्रभावित हो रही है। अब कॉमनवेल्थ लास्ट में समझना पड़ेगा। देखिए, कॉमनवेल्थ या जो राष्ट्रमंडल है, इंग्लैंड का जितने देशों पर शासन था, यानी कि इंग्लैंड के अधीन जितने देश थे, उन देशों का एक संगठन बना है, और उसी संगठन को कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का सदस्य, राष्ट्रमंडल कहा जाता है। 50 से अधिक देश हैं आपका, क्योंकि आधे दुनिया में अंग्रेजों का सिक्का चलता था, तो ऐसी दशा में भारत भी है, और उसकी जो हेड होती है वह इस समय एलिजाबेथ सेकेंड है, यानी कि वहाँ की महारानी। अब तर्क ये दिया जाता है कि भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है, अतः अपनी संप्रभुता को कम कर दिया, जब हम आज़ाद हो गए तो क्यों इस मंडल में रहें। लेकिन तर्क विद्वान इसके मने इसको काटने के लिए देते हैं कि भारत ने स्वेच्छा से कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की है, और भारत जब चाहे
तब इस सदस्यता को त्याग सकता है। इससे सॉवरेंटी पर भारत के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में ये सही बात है कि आपका दुनिया के आगे झुककर भी काम करना पड़ता है, यानी कि वो सॉवरेंटी नहीं रही जो किताबों में मिलती है, क्योंकि आपका दुनिया जब कानून, जैसे कि आपका दुनिया के सामने भी आपका कुछ काम करना पड़ता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कानून का मॉडल बना दिया आपका इन्फॉर्मेशन के लिए, और देशों से आग्रह किया कि आप इस मॉडल को फॉलो करते हुए अपने यहाँ साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानून बनाइए। तो भारत में ने संधि की और संधि करके आईटी एक्ट बनाया, मानवाधिकार हुआ, पर्यावरण, यानी कि इसका मतलब लास्ट लाइन ये रहा कि वर्तमान में जो संप्रभुता आप किताबों में पढ़ेंगे अब उतनी संप्रभुता नहीं है, क्योंकि आपका पूरा विश्व चूंकि एक कनेक्टेड है और भाई एक दूसरे के माने आपका इच्छाओं का और अधिकारों का भी ध्यान रखना है, और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके संकल्पों को भी क्या रखना है ध्यान। इसलिए कुछ कानून प्रेशर में भी बनाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो भले वो संप्रभुता किताबों वाली नहीं मिलेगी। दूसरा देखिए भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के पहले संपूर्ण, संपूर्ण मतलब कि जरा भी इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। दूसरा शब्द है आपका समाजवादी। ये जो समाजवादी शब्द है, ये शब्द मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। और समाजवादी या सोशलिस्ट का मतलब आपका चार पांच लाइन समझिए, समाजवादी व्यवस्था किसे कहा जाता है और भारत में कैसी व्यवस्था है। तो समाजवादी व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जो उत्पादन के साधन है उस पर सरकार का कंट्रोल होता है, यानी कि जैसे कि आप उद्योग धंधा है, आपका यातायात के साधन है, आपका तेल है, आपका मोबाइल है, आपका सिम है, अगर केवल और केवल सरकार का कंट्रोल है तो ये पूर्ण रूप से क्या माना जाएगा, समाजवाद। वैसे इस शब्द को रखने के पूर्व जो भारत एक सोशलिस्ट राज्य होगा, समाजवादी देश होगा, इसकी अवधारणा संविधान के भाग चार में दी गई है और राजनीति निदेशक तत्वों में समाहित है, और नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जहां के राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह ये कार्य करे, और वह जो कार्य है वह एक तरह से समाजवादी व्यवस्था को ही प्रश्रय दे रहे हैं, यानी कि आय के जो साधन हैं या समाज में उत्पादन के जो वितरण किए जाते हैं उसमें असमानता को कम किया जाए, आय में जो असमानता है उसको कम किया जाए, इसके लिए राज्य क्या बनाए, पॉलिसी तमाम है, और वितरण जो उत्पादन है उसको समान रूप से समाज में बांटा जाए, इसको कहते हैं, अभी एजेस में भी आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है वितरणात्मक न्याय। क्वेश्चन ये आया था कि वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत किसने दिया था, जुरिस्प्रूडेंस में आता है तो अरस्तु ने दिया। किसने दिया? वितरणात्मक न्याय संविधान के अनुच्छेद 38 में समाहित है, यानी कि जो उत्पादन के साधन है उनका समान रूप से समाज में क्या किया जाए, वितरण। अब ये न हो कि एक आदमी भूखे मर रहा है और एक आदमी काजू किशमिश ही खाकर जी रहा है, तो भारत ये समाजवादी नहीं है। अब समाजवादी पार्टी, आज का जो समाजवाद है कि अपना काम बनाइए और जनता भले चूल्हे भाड़ में जाए, तो आपका जब लोहिया जी और इत्यादि जी थे, जनेश्वर मिश्रा,
उन्होंने भी समाजवाद को बल दिया और समाजवादी पार्टी आज भी कायम है। समाजवादी पार्टी तो आपका कहावत भी कही जाती है कि बबुआ ये समाजवाद है धीरे धीरे आई, माने ये समाजवाद जो है एक दिन में नहीं आ जाएगा, क्या आएगा धीरे। लेकिन अगर हम धरातल पर देखें तो भले प्रियम्बल में समाजवाद लिखा हो, एक और भाई समझिए, समाजवाद का मतलब ये हुआ कि राज्य स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सरकार अगर किसी जमीन को, बैंक को या फैक्ट्रियों को एक्वायर कर रही है, सरकारी घोषित कर रहे हैं स्कूल को, तो न्यायालय को चाहिए कि विरोध करे कि सपोर्ट करे, विरोध न करे बल्कि क्या करे, राष्ट्रीयकरण को प्रश्रय दिया जाए। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि हम थोड़ा समाजवाद से बाहर जा रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि सरकार हर एक फैक्ट्री को, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो गई और हर एक चीज़ को प्राइवेटीकरण, यानी कि प्राइवेट अडानी और अंबानी को क्या की जा रही है, बेची जा रही है। और अडानी इतने बेच दिया गया अडानी को कि अंबानी को पीछे छोड़कर अडानी क्या हो गए, खूब अटैक भी पक्षी करते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं है। और एक नंबर पर इस समय भारत में आपका जो धनी व्यक्तियों में अडानी है और खूब कर्जा भी लिया है, इसमें कोई शक नहीं, उसी कर्जे के कारण आरबीआई के चले गए गवर्नर, इस्तीफा देकर भाग लिए, मतलब सरकार दबाव डाल रही थी कि इनका पास करिए, ये करोड़ों का आपका कर्जा नहीं पास किए। तो भाई रोज सरकार का फोन जा रहा है, आपका गृह मंत्री इत्यादि का, तो अच्छा यही समझे कि इस्तीफा देकर क्या किया जाए, चल दिया जाए, और उसके बाद सरकार की आर्थिक नीतियों की खिंचाई किए, वो अलग बात है। तो इसका मतलब, समाजवाद का मतलब ये हुआ। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो भारत में आपका मिश्रित समाजवाद है या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि भारत में कुछ उत्पादन के साधनों पर सरकार का कंट्रोल है तो कुछ क्या है आपका प्राइवेट व्यक्ति, इसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि कुछ सरकारी कंट्रोल भी है और कुछ क्या है प्राइवेट। जैसे हर एक चीज में, आपका वाहन देख लीजिए, आपका एयरपोर्ट देख लीजिए, आप मोबाइल चला रहे हैं देख लीजिए, प्राइवेट कंपनियां भी हैं सरकारी भी हैं। और सरकारी कंपनियों का हाल देखिए, कभी भी नेटवर्क सही नहीं रहता जल्दी, यानी कि BSNL का देख ही सकते हैं। तो भाई आपका तो समाजवादी आगे बताया जाएगा, आपका भाग चार जवाब चलेगा, इतना पर्याप्त है भाई, थोड़ा साठ इकट्ठी किया जाए, बहुत लंबा भी ना चले क्योंकि आगे हमें तो बताना ही है। इसके बाद आपका सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब पहले जानना है, सेकुलर का मतलब क्या हुआ देखिए आपका, और सेकुलर का मतलब समझाने के लिए आपका कह सकते हैं कि तीन केस आपको जानना पड़ेगा। एक आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का, यानी कि संतोष कुमार बनाम, अभी हम तीनों बताएंगे, बनाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, दूसरा SR बोम्बई जो पूछा भी गया था, और तीसरा आपका अरुणा राय का केस आया है। तीन केस कम से कम याद रखना पड़ेगा, कौन कौन, SR बोम्बई, दूसरा संतोष कुमार, और तीसरा कौन सा, लिखवाते समय डिटेल में लिखवाया जाएगा। आप अरुणा राय का केस आया जो लेटेस्ट है। देखिए आपका पंथ निरपेक्षता को और डिटेल में जब आर्टिकल 25 से लेकर 28 बताया जाएगा तो वहाँ सेकुलरिज्म को और हम डिटेल में बताएंगे। यहाँ थोड़ा उद्देश्य का मैं शॉर्ट कर रहे हैं ताकि कोर्स भी आगे बढ़े। जो ये पंथ निरपेक्षता या सेकुलर शब्द है, ये जो शब्द है इसका मतलब ये हुआ कि राज्य धर्म का अभाव। राज्य धर्म का अभाव का मतलब ये हुआ कि जो भी राज्य का कार्य होगा वह किसी धार्मिक आधार पर, धार्मिक परंपराओं पर आश्रित नहीं होगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के
अनुसार हो और राज्य किसी भी क्षेत्र का, यानी कि राज्य न तो किसी को बढ़ावा देगा और न ही दबा। मामलों में राज्य हस्तक्षेप करे कि न करे, न करे। जहाँ तक आपका सेकुलरिज्म की बात है, सेकुलर का मतलब ये हुआ, पंथ निरपेक्ष देश का मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को अपने अपने धर्मों के अनुसार आचरण करने इत्यादि की स्वतंत्रता होती है, सभी व्यक्तियों के धर्मों का सम्मान किया जाता है, चाहे उनकी संख्या सैकड़ों में हो, हजारों में ही क्यों न हो, लाखों में ही क्यों न हो। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ विश्व के तमाम देश, कोई ईसाई अपना देश घोषित कर दिया, कोई मुस्लिम देश घोषित कर दिया, लेकिन भारत में ये खासियत है कि भारत आज भी एक क्या है, सेकुलर। लेकिन वर्तमान में आपका जो सेकुलर शब्द का यूज है वह विकृत कर दिया गया है, और विकृत इस मामले में किया गया है कि जो भाजपा का विरोध करे, मैंने भाजपा का सपोर्ट करे, वह सबसे बड़ा सांप्रदायिक, और जो भाजपा का विरोध करे वह सबसे बड़ा क्या है, सेकुलर है। जो भारत में आपका चल रहा है, जो नया ट्रेंड आया है, तो उससे हमें मतलब नहीं है राजनीति से। मैंने एक उदाहरण बताया जा रहा है कि भाजपा वाले भी यही करते हैं कि जो मोदी जी का विरोध करेगा वह सबसे बड़ा देशद्रोही, और जो सपोर्ट करेगा वह सबसे बड़ा क्या हो गया, आपका देशभक्त हो गया। तो ये जो नियम है ये बिल्कुल गलत है। जनता को सरकार की नीतियों की आलोचना करने का हक है, चाहे वह किसान हो या आम आदमी हो, और किसानों ने किया भी, और अंत में सरकार को अपना जो फैसला था वापस लेना पड़ा। यानी कि पहला ऐसा मामला था जहां मोदी जी पीछे हट गए एक कदम और कृषि बिलों को क्या किए, वापस। इसके पहले अब ये है कि भाई चुनाव आने वाला है, किया क्या जाए, पार्टी के कार्यकर्ता दिए होंगे रिपोर्ट कि अब हार जाएंगे, किसान नाराज हैं, तो भाई वोट के लिए भी तो काम करना है, ये थोड़े हैं कि केवल आपका कानून बना दिया जाए। तो आगे देखिए, जहाँ तक से सेकुलर का मतलब फ्री में आया, सेकुलर का मतलब क्या हुआ? तो सेकुलर चलेगा तो किसके अनुसार चलेगा, मनमाना चलेगा कि संविधान के अनुसार? और राज्य किसी धर्म को प्रश्रय देगा कि नहीं, नहीं देगा, ये दो अर्थ मारिएगा फ्री में आ जाए तो। अब जहाँ तक सेकुलरिज्म की बात है, भारतीय संविधान में भारत एक सेकुलर राज्य है, इस बात की अवधारणा पहले से ही आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसमें समाहित है। लेकिन इसको और क्लियर करने के लिए आपका इंदिरा गांधी ने इसे कहाँ रख दिया, प्रियम्बल। और कोई तीन, अब केस देखिए भाई आपका, तीन केस आता है और तीनों में आपका उपनाम भी याद रखना है। पहला जो केस आता है वह देखा जाए संतोष कुमार का केस याद रखिएगा, ये केस जो उपनाम है संस्कृत शिक्षा का मामला, यानी कि जो संतोष कुमार वाला केस है इसका उपनाम क्या है, संस्कृत शिक्षा का मामला। इसमें ये बताया गया कि संस्कृत शिक्षा अगर देने के लिए राज्य कहता है कि हम देंगे तो इसमें कोई सेकुलरिज्म का वायलेशन नहीं होता, और बताया भी गया कि भारत एक सेकुलर स्टेट है। दूसरा आपका देखना है आपका SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में भी बता दिया गया कि भारत एक सेकुलर स्टेट है और ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर संसद है तो संविधान में संशोधन कर नहीं कर सकती,
बेसिक स्ट्रक्चर है। तीसरा केस आपका केशवानंद भारती का आया, उसमें भी पंथ निरपेक्षता को क्या मान लिया गया, बेसिक स्ट्रक्चर। और चौथा केस जो नया है अरुणा राय बनाम भारत संघ का, इस अरुणा है भाई, अरुणा है, अरुण नहीं है, एक बार फिर हम देख ले रहे हैं भाई, जब आप देख ले रहे हैं भाई, जब आप नहीं हो सकता है भाई, जब विवाद उत्पन्न हो तो किताब और सारा आपका सारा पोथी पत्र भाई सामने ही रहता है, भले जैसे देखने की आवश्यकता पड़े। इसमें किताब में भी देखते हैं, लास्ट में हो सकता है दिया हो। अरुणा राय है भाई, देखिए आगे। अरुणा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में जस्टिस धर्माधिकारी, जस्टिस धर्माधिकारी ने ये बताया कि भारतीय संविधान में हमेशा सेक्युलरिज्म को निगेटिव रूप में यूज किया गया है, नकारात्मक रूप में यूज किया गया है, लेकिन इसे सकारात्मक रूप में यूज करना चाहिए। तो सकारात्मक रूप बताया गया धर्माधिकारी द्वारा जस्टिस, ये बताया गया कि राज्य को ये चाहिए कि जो सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें हैं उनको बच्चों को शिक्षित किया जाए, समाज को बताया जाए, ताकि समाज में सभी धर्मों के लोग आपस में सद्भावना, सौहार्द और प्रेम से रहें। ये धर्माधिकारी ने बताया। आगे देखिए आपका सेकुलर हो गया शब्द, सेकुलर के बाद जो शब्द हैं आपका लोकतंत्रात्मक, डेमो क्रेसी कहा जाता है, या प्रजातंत्र कहिए या लोकतंत्र कहिए। तो लोकतंत्र होता क्या है, अब आज समझिए भाई। लोकतंत्र, जहाँ तक डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात होती है, लोकतंत्र होता क्या है कि सबसे उत्तम परिभाषा अमेरिका के आपके कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, यानी कि आपका लोगों द्वारा लोगों के लिए ही लोगों का शासन, यानी कि जनता ही अपना शासन शासक चुनती है, वे शासक जनता पर ही शासन करते हैं, और किसके लिए करते हैं, जनता के लिए, यानी कि जनता सर्वोच्च है, याद रखिए, संप्रभु है, जनता से ऊपर कोई नहीं है, जनता जिसको चाहे उसको अपना शासक चुने और जिसको चाहे। भारत में 5 साल बाद मौका मिलेगा, शासन से क्या कर दें, हटा दें। तो आप जानते हैं कि 5 चुनाव आ रहा है, तो जो नेता होंगे चूल्हे भाड़ में और अपना क्या करेंगे, 4 व्हीलर से घूमते रहेंगे, कौन जनता को पूछ रहा है आपका। ऐसी दशा में मैंने कि जो लोकतंत्र है आपका, बहुत अच्छा ये सिस्टम है कि जनता ही ये निर्धारित करती है कि कौन हम पर शासन करेगा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है, अब चीन उनमें ना कह दीजिएगा, और रूस में, चीन में आपका मैंने चल रहा है जो लोकतंत्र नहीं है, रूस में लोकतंत्र नहीं है, वहाँ तो एक आदमी बैठ गया तो कई साल तक क्या हुआ। जनता अगर विरोध करेगी कि हमें लोकतंत्र चाहिए, तो आपका बुलेट चला दिया जाएगा और आपका कुचल दिया जाएगा, और कुचला भी गया था, आप सैनिकों ने आपका टैंक चलाकर लाख हजारों लोगों को कुचल दिया कि लोकतंत्र की मांग न करो, हम तानाशाही शासन चलाएंगे, निरंकुश चलाएंगे। अब भारत में ऐसा नहीं है, ये नहीं कि टैंक से कुचल दिया जाए, जनता को विरोध बताया जाएगा, अनुच्छेद 19 में बताया जाएगा। आजादी दिया है
ए, 19वन ए, आप अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं। आपका सरकार आपकी बातों को प्रकट करने से रोक नहीं सकती। तो आगे देखा जाए भाई, आपका लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जाए। लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि जनता इसमें क्या है, मालिक होती है, और जो ये सरकार है, अधिकारी हैं, ये नौकर होते हैं, यानी कि जनता मालिक है। आपका जनता को मौका मिलता है कि वह जिसको चाहे अपना शासन चुने। इसी आधार पर थोड़ा इंग्लैंड का इतिहास बैक होना है। इंग्लैंड में ये हुआ कि एक दिन मैं बताया था इतिहास भाई कि जब चर्च और राज्य में विवाद उत्पन्न हुआ तो चर्च हार गया और जो वहाँ का राज्य था या राजा था वह जीता। और जब कोई व्यक्ति जीत जाता है और पावरफुल रहता है तो वह निरंकुश बन जाता है और जनता के अधिकारों को राजा ने छीनना शुरू कर दिया। जनता त्राहि त्राहि कर दी, तमाम अधिकार छीन लिए गए, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब जो ये जनता और राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, राज्य कह रहा था ये कि जनता ने समझौता करके हमें राजा चुना है तो हम चाहें जो करें, और जनता कह रहे थे कि हम आपको शासन करने के लिए चुने हैं लेकिन सभी अधिकार आपको नहीं दिए हैं, आप हमारे न्यासी हैं, आपको हमने अपने अधिकार की रक्षा के लिए चुना है न कि अधिकार के हनन के लिए। इस विवाद के निपटाने के लिए तीन विद्वान सामने आए थे, हाब्स, लॉक, रूसो। याद रखे कौन कौन। हाब्स पूरी तरह सरकार का समर्थन किया था कि जनता को कोई हक नहीं है। जो लॉक था ये जनता को समर्थन किया था और रूसो ने भी जनता का ही समर्थन किया था। तो उतना इतिहास और जुरिस्प्रूडेंस में देखा जाता है। फिर बैक हो जाइए लोकतंत्र पर। ये जो भारत में लोकतंत्र है, आपका ये भी याद रखिए, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये केशवानंद भारती में ही बता दिया गया और इसमें संविधान में संशोधन करके आप परिवर्तन नहीं कर सकते, ये नहीं कि इसको बदल देंगे। अब एक आया कि भाई लोकतंत्र में मालिक कौन होती है, संप्रभु कौन होता है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। एक उदाहरण बताया जाए, फिर इस उदाहरण को अन्ना हजारे के आंदोलन से आप जोड़ सकते हैं कि अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था कि हमें भी आपका जन लोकपाल चाहिए, ओम्बड्स मैन चाहिए, यानी कि लोकपाल, जन लोकपाल। आंदोलन किया, पूरे विश्व से समर्थन मिला, इसमें भी कोई शक नहीं है। भारत में भी उनको समर्थन ज़्यादा मिला, तमाम मोमबत्ती लेकर आपका लोग मने निकलते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। तत्पश्चात अब कुछ जो नेता थे इनके बारे में ये कहते थे कि अन्नवा पगला गया है, यानी कि अन्ना पागल हो गया है। ये कह रहा है कि आपका संसद को, सरकार को कह रहा है, संसद को, कि सांसद नौकर हैं और मालिक कौन है, जनता। तो जनता ने हमें चुना है, तो अब सांसद कह रहे थे मंत्री कि हम मालिक, जनता नौकर। तो अन्ना हजारे की बातों का असर हुआ और अगले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो अन्ना हजारे के आंदोलन ने भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में महती भूमिका निभाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार यानी कि मालिक जनता है और सरकार क्या है, नौकर, लेकिन उल्टा चल रहा है। सरकार मालिक बन जाती है और जनता क्या बन जाती है, नौकर, जबकि लोकतंत्र में नियम जो है। तो आपका अगला देखा जाए भाई, आपका डेमोक्रेटिक। अब गणराज्य देखा जाए। अब आपका रिपब्लिक देखना है। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, देखिए, आपका एक होता है गणराज्य और दूसरा होता है राजतंत्र, दोनों में थोड़ा अंतर समझिए। अगर कोई देश गणराज्य है तो ये शब्द फ्रांस से लिया गया, याद रखिए, कहाँ से, फ्रांस। अगर कोई राज्य रिपब्लिक है, इसका मतलब ये समझना है
जो वहां का हेड होगा, तो हमारे यहाँ का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। वह किसी वंश परंपरा से नहीं आएगा, किसी विशेष जाति का नहीं होगा, किसी विशेष धर्म से नहीं आएगा, या एक ही परिवार का, यानी कि आपका अनुसंगत नहीं होगा। ये कोई भी व्यक्ति इस पद पर बैठ सकता है। अगर ऐसा नियम है तो हम उस राज्य को क्या कहेंगे? रिपब्लिक। और अगर ऐसा नियम है कि इसी वंश और इसी परिवार के लोग ही इस सर्वोच्च पद यानी कि प्रेसिडेंट के या राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे, तो वहाँ गणतंत्र नहीं बल्कि क्या है? राजतंत्र। तो इंग्लैंड में राजतंत्र है, जबकि भारत में राजतंत्र नहीं है बल्कि क्या है? गणतंत्र है। आपका कहा भी जाता है कि गाना भी बना है कई कि अब तो राजा गए रानी गए, अब तो प्रजातंत्र और गणतंत्र दोनों है। गणतंत्र मतलब कि हमारा जो हेड होगा यानी कि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कोई भी हो सकता है, और प्रजातंत्र या लोकतंत्र का मतलब कि जब हम जिसको चुनेंगे वही हम पर क्या करेगा? शासन। अब एक बार आपका इंग्लैंड से को रिलेट करके क्वेश्चन बना है, उसको देखा जाए। इंग्लैंड में डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र है, यानी कि वहाँ की जो सरकार होती है पीएम इत्यादि, वे जनता द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, इंग्लैंड में राजतंत्र है, यानी कि एक ही परिवार के लोग वहाँ के सम्राट या महारानी बनेंगे, उसके अलावा अन्य को सम्राट या महारानी बनने का कोई अधिकार नहीं, एक ही परिवार के लोग। और इस समय आपका महारानी एलिजाबेथ सेकेंड है, वह महारानी है। तो अगर एक ही परिवार के लोग हेड होंगे तो वह तो राजतंत्र हो गया। तो इंग्लैंड में याद रखिएगा, राजतंत्र और लोकतंत्र ये दोनों मारेंगे। भारत में क्या है? तो भारत में गणतंत्र है और लोकतंत्र दोनों है, यानी कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि ही शासन करेगा, और जो हेड होगा वह जनता द्वारा चुना जाएगा, किसी स्पेशल वंश से नहीं आएगा। ये भाई याद रखिएगा। इसके बाद सब देखिए, बनाने के लिए माने ये सब बनाने के लिए भारत को और उसके समस्त नागरिकों को, इस बार आईएएस में ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, कि समस्त नागरिकों को यानी कि पूरे भारत के नागरिकों को, देखिए आगे क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं। पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कितने प्रकार की जस्टिस का उल्लेख किया गया है? तो कितने प्रकार के जस्टिस का? तीन। कितने प्रकार? याद रखिए, कितने प्रकार का जस्टिस? तीन। इसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार की? पांच। अभी हम आगे बताएंगे। कैक सब देखिए, पॉइंट पकड़िए, कैसे वर्तमान समय में क्वेश्चन बन रहा है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की और न्याय कितने प्रकार का? अब जो आईएएस में बना था कि कौन सा क्रम सही है, तो भाई एकदम सही क्रम याद करके जाइए। पहला कौन सा जस्टिस है? सोशल। दूसरा कौन सा है? इकोनॉमिक। और तीसरा कौन है? पॉलिटिकल। फिर एक बार रटिए, कितने प्रकार के न्याय? पहला कौन सा न्याय दिया गया है? सामाजिक। दूसरा आर्थिक। तीसरा कौन? राजनीतिक। अब आपका ये तीनों शब्द थोड़ा थोड़ा जानना है। सबसे पहले तो जस्टिस, जैसे कि जो कोई भी कांड होता है तो लोग तख्ती लेकर खड़ा हो जाते हैं और ये कहते हैं कि वी वांट जस्टिस। वकील भी खड़े हो जाते हैं, पुलिस भी खड़ी हो जाती है, वकीलों से पंगा ले लेती हैं। तो दिल्ली में देखने को मिला कि पुलिस वाले ही और उनके घर वाले बच्चे कमिश्नर के आवास पर जाकर हजारों धरना दे दिए कि
वकीलों से हमें न्याय दिलवाइए। तब कमिश्नर ने कहा कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक। लड़ी भी पुलिस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका खा गई और कही कि नहीं, यथास्थिति क्या रखिए विद्यमान। तब केंद्रीय फोर्स वहाँ की कचहरियों में लगे, पुलिस को हटा दिया गया क्योंकि रोज कौन बवाल झेले। तो पुलिस वहाँ से हट गई है कई कचहरियों से, अब CRPF और इत्यादि लगी है दिल्ली में भाई। इसके बाद अब ये पूछा गया इंटरव्यू में कि न्याय क्या है। जहाँ तक न्याय की अवधारणा की बात है, ये तो डिटेल में आपका जुरिस्प्रूडेंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप देखे होंगे कि जहाँ भी मन करे वी वांट जस्टिस, यानी कि हमें क्या चाहिए, न्याय। तो कम से कम एक बार आपके दिमाग में कभी कौंधा कि ला किए हैं, ये न्याय क्या होता है, तो न्याय को समझिए एक लाइन में। लोगों के अधिकारों की राज्य की भौतिक शक्ति द्वारा जब रक्षा की जाती है, उसी को जस्टिस कहा जाता है। यानी कि जो लोगों के राइट हैं, लोग ये मांग करते हैं कि हमारे अधिकार का वायलेशन हुआ है और स्टेट से मांग करते हैं कि राज्य हमें न्याय दे, यानी कि राज्य हमारे अधिकारों की क्या करे, रक्षा। अर्थात अगर अपराध हुआ है तो अपराधियों को राज्य क्या दिलवाए, सजा, और जल्दी से जल्दी दिलवाए। तो स्पेशल कोर्ट बन गई है, आपका MP MLA दुराचार के मामलों में इत्यादि में अलग न्यायालय बने हैं। और फिर एक बार याद रखिए, CRPC में जितने कांग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जितने संज्ञेय अपराध होते हैं, उन सभी अपराधों में आपका पक्ष रखेगी कौन, आपकी ओर से लड़ेगी कौन, तो स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो वकील है आपका पक्ष रखेगा, पीड़ित का पक्ष रखेगा। तो किन मामलों में, संगे के असंगे, संगे। और जब आप APO बनेंगे तो आप राज्य का पक्ष रखेंगे, आपका मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और न्यायाधीश के न्यायालय में तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखते हैं। हाई कोर्ट में भी सरकार ने आपका तमाम अधिवक्ताओं की फौज नियुक्त की है, 700-800। वो सरकार का हरेक कोर्ट में क्या रखते हैं, पद। योगी मोदी जी नहीं आएंगे बहस करने, कौन करेगा, अधिवक्ता। तो अलग बात है, आगे बढ़ा जाए भाई। तो न्याय अगर कोई आपसे पूछे कि जस्टिस क्या है, तो अब मौनी बाबा न रहिएगा मोदी जी जैसे, अब क्या देना है जवाब, यानी कि पप्पू जैसे फेंकते रहिए। आपका पप्पू और गप्पू जैसे क्या करते रहिए, बोलते रहिए, मौन न धारण करिए। क्योंकि तो पप्पू को हमेशा भाई फिर वाक्य वापस लिया जाता है, क्योंकि तो ऑनलाइन चल रहा है ना, थोड़ा भाई शब्दों को वापस लिया जाता है। और आपका राहुल गांधी जी जैसे, आपका ये नहीं कि आपको बोलने पर रोक लगी है, एक आदमी को बोलने की आज़ादी है, मोदी जी को तो बोलते ही नहीं। और हमेशा राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें तो क्या नहीं करने दिया जा रहा है, बोलने ही, मैं तो बोलना चाहता था कि आलू से क्या बना दिया जाए, सोना, लेकिन सोना बनाने की मैं सोच रहा था, लेकिन भाजपा वालों ने क्या किया, रोक दिया, बनाने ही नहीं दिया। तो आगे देखिए भाई, आपका अगला नियम आया जाए। तो ये न्याय का मतलब याद रखिएगा कि लोगों के अधिकारों की राज्य द्वारा रक्षा की जाती है, और राज्य इसके लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, उसके पास न्यायालय है, अधिवक्ता है, सेना है, पुलिस है, सबका क्या करे, यूज करे, किस दिन के लिए बने। इस तीन प्रकार के न्याय की अवधारणा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। पहला कौन है, सोशल। अब सामाजिक न्याय क्या होता है, आर्थिक न्याय क्या होता है, राजनैतिक, इसको दो दो लाइन समझिए। और ये आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये जो न्याय है ये किन किन अनुच्छेदों में समाहित है, एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। पहले देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि समाज में चाहे किसी भी जात का लोग हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी उपजात के हों, सबको समान दृष्टि से देखा जाए,
आपका यानी कि किसी के प्रति जाति धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए। ये आपका सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय के लिए आपका मूल अधिकारों में भी प्रावधान है और नीति निर्देशक तत्वों में। दो तीन उदाहरण बता सकते हैं भाई, पूरा नहीं, सामाजिक न्याय पर ही पूरा आधारित है आपका ज्यादातर डीपीएस जो है भाग चार, लेकिन भाग तीन में भी बता दिया जाए आपका आर्टिकल 14 भी सोशल जस्टिस, सबको समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 पांच आधारों में से किसी पर आप विभेद नहीं करेंगे, आर्टिकल 16 कितने आधार हैं सात, इस पर विभेद नहीं, आर्टिकल आपका 17 है अस्पृश्यता का अंत किया गया है, 18 है, 23 है, 24 है, तमाम अनुच्छेद हैं जो सामाजिक न्याय को क्या देते हैं प्रश्न, और तमाम कानून भी बने हैं, कानूनों की लिस्ट गिनानी भी मुश्किल है, ये मैं बता दूं। तो आपका ये दूसरा आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि उत्पादन के जो साधनों पर आधिपत्य है वह एक या कुछ व्यक्तियों में निहित न होकर समाज में ज्यादा व्यक्तियों में बटे, यानी कि ज्यादा लोग आपका क्या हो, धनवान हो और किसी के पास ये न हो कि ज्यादा धन हो और किसी के पास कम। तो सरकार इसके लिए तमाम योजना चलाती है, आपका फ्री में राशन से लेकर पैसा और स्कॉलरशिप तमाम चीजें की जाती हैं, और जो भाग चार हैं वहाँ तमाम चीजें मिलेंगी जो आर्थिक न्याय को प्रश्रय देगी। और आर्थिक न्याय अनुच्छेद 38-39 तमाम अनुच्छेद है, उतना डिटेल में न जाया जाए। इसके बाद आपका राजनैतिक न्याय, पॉलिटिकल आपका न्याय क्या है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। राजनैतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि भारत में किसी भी पद के लिए सभी व्यक्ति योग्य होंगे, चाहे पीएम के लिए, चाहे सीएम के लिए, चाहे सांसद के लिए, चाहे विधायकी के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, तो क्या किसी जाति धर्म या संप्रदाय के आधार पर आप किसी को आपका चुनाव लड़ने से रोक देंगे? नहीं, राजनैतिक न्याय का मतलब कि सबको चुनाव लड़ने का क्या है हक, और सभी लोगों को हक है कि वह जिस पद पर माने जिस पद के लिए चाहें चुनाव लड़ सकें। और राजनीतिक न्याय का मतलब ये हुआ कि किसी को रोका नहीं जा सकता, सभी पद सबके लिए क्या हैं, खुले हैं, उसमें जाति धर्म संप्रदाय इत्यादि बाधक हैं कि नहीं, बाधक नहीं, अंग्रेजों के समय था कुछ माने, लेकिन अब नहीं है। तो तीनों न्याय याद रखिए, आपका कह सकते हैं कि फिर एक बार क्रम याद रखिए, कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक पहला, दूसरा कौन, आर्थिक, तीसरा कौन है, राज। अगला सब देखिए भाई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। तो पहला क्वेश्चन तो यही जीएस में पूछा था, और आपका अब ये क्रम पूछना शुरू कर रहा है कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, लिबर्टी का पांच। अब इसको क्रम से याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। देखिए क्रम हम भी बता रहे हैं, पहला है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और पांचवा उपासना। अब केवल यही नहीं कि क्रम याद करना, इंटरव्यू और प्री के लिए इसका अर्थ भी जानना है। और ये जो पांच लिबर्टी हैं ये संविधान के किस किस आर्टिकल में वेस्टेड हैं ये भी आपको जानना है, और इसका मतलब एक एक लाइन जानना है, ज़्यादा नहीं। देखिए भाई, पहला आपका जो दो शब्द हैं, थाट एंड एक्सप्रेशन, ये जो थाट और एक्सप्रेशन शब्द हैं, विचार और अभिव्यक्ति, ये शुद्ध रूप से आर्टिकल 19 1A में समाहित है।
अब 19(1)A देखा जाए, 19(1)A ये बताता है अनुच्छेद 19(1)A कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचार और अभिव्यक्ति प्रकट करने की अधिकार होगा। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या होगा? फंडामेंटल राइट, अर्थात विचार और अभिव्यक्ति का मतलब क्या ये हुआ कि विचार का मतलब थाट रखना, सोच रखना, और अभिव्यक्त का मतलब उसको प्रकट करना। तो क्या प्रकट करने में विचार जो है आपका या जो राय है आपकी, मौन रहना, मौनी बाबा जैसे शामिल है कि नहीं बताइए? तो अभिव्यक्ति में विचार और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब ये हुआ कि किस, फिर एक बार देखिए भाई थोड़ा डिटेल में किया जाए, बहुत शॉर्टकट हो गया है। विचार मतलब कि अपनी राय रखना, और अभिव्यक्ति का मतलब हुआ कि उस राय को दूसरे व्यक्तियों को बताना, यानी कि उसको कह सकते हैं कि उस राय को आपका प्रसारित करना। प्रसारित करना मतलब कि व्यक्त करना। तो क्या व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं? अपनी ओपिनियन व्यक्त की जा सकती है, हम भी व्यक्त कर रहे हैं। तो ये आपका आर्टिकल 19(1) के क्या है, ए में है। यहाँ तक कि नागरिक नहीं, प्रेस की भी स्वतंत्रता है, प्रेस को भी आज़ादी है। इसीलिए तो टीवी वाले खुलकर सरकार का विरोध करते हैं, गलत नीतियों का। अगर साकल पेपर्स मिल्स का केस आया तो अभिव्यक्ति का मतलब ये हुआ कि अपने विचारों को किसी भी माध्यम से दूसरे के पास पहुँचाना। तो कौन कौन माध्यम हो सकता है? तो बताइए आपका सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है कि नहीं? कर ही रहे हैं आप लोग, रोज यूज कर रहे हैं। लेटर के माध्यम से और आपका बोलने के माध्यम से, सभी पेपर के माध्यम से हो सकता है। भारत में ही करेंगे कि विदेश में भी, कि दोनों? केवल भारत में नहीं, जाकर विदेश में भी आप क्या कर सकते हैं। मेनका गांधी को रोका गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश में भी जाकर अपने विचारों को प्रकट करने का क्या है प्रत्येक नागरिक को। इस आधार पर आप किसी नागरिक का वीजा पासपोर्ट नहीं रोक सकते कि वो बाहर जाएगा तो सरकार की क्या करेगा आलोचना। तो तमाम लोग पाकिस्तान जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, चीन जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो सुर्ख बदल जाता है, मोदी को लाख गाली देते हैं और आपका ये करते हैं। तो भारत में गाली देना उचित है, विदेश में नहीं, जो हमारी राय है। आप भारत में खूब गाली दीजिए, लेकिन विदेश में कम से कम एक आप क्या करिए, सम्मान। जैसे घर में खूब गाली दीजिए, लेकिन बाहर कम से कम समाज को दिखाइए कि हमारा करेक्टर क्या है, हाई है। भले आपका सील क्या हो, खराब हो, वो अलग बात है। भाई देखिए, अब टीपीए का समय नहीं बचा, इतना फ्लो में संविधान चल गया। तो अब मैंने अभी 5 मिनट चलेगा क्लास, अब टीपीए कल से भाई चलाया जाएगा, शेड्यूल आज भी सही नहीं हो पाया। संविधान ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जब एक बार फ्लो बन जाता है तो कब समय 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा पता नहीं लगता, और इसमें उबन भी नहीं होती। तो पहले इनको बता दिया जाए शब्दों को। तो विचार और अभिव्यक्ति को कहाँ से जोड़कर पढ़ेंगे? आर्टिकल 19 से। ये जो लास्ट वाले तीन स्वतंत्रताएं हैं, ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में समाहित हैं, धर्म की स्वतंत्रता में। वहाँ भी आपको फिर से ये बातें पढ़नी हैं, लेकिन एक एक शब्दों को तो समझा जाए। देखिए अगला, विश्वास, बिलीव करना। तो भारत में प्रत्येक नागरिक को बिलीव करने की, अर्थात विश्वास की स्वतंत्रता है, यानी कि जो पत्थर हैं, चाहे तो उसे देव मानिए या पत्थर मानिए, यानी कि चाहे तो बाबा पर विश्वास करिए या न करिए, ये आपकी आज़ादी है। यानी कि विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि चाहे तो आस्तिक बनिए और चाहे तो क्या बन जाइए, नास्तिक। चाहे तो भगवान को मानिए, अल्लाह को मानिए, गॉड को, और चाहे तो न मानिए।
आपकी स्वतंत्रता है, कोई बाध्यकारी नहीं है। मैं फिर बता दूं, ये स्वतंत्रता है विश्वास की। आपका कई देशों में ये स्वतंत्रता नहीं है, जैसे चले जाइए आप अफगानिस्तान, वहाँ आपको ये स्वतंत्रता नहीं, अल्लाह को मानना ही होगा, और जरा भी बुराई किए तो वहीं बुलडोजर पर लटका दिया जाएगा और हेलीकॉप्टर से घुमा दिया जाएगा। लेकिन भारत में आज़ादी है, आप खूब माने भारत में आज़ादी है इस बात की। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, इस आज़ादी का मिसयूज नहीं करना है। संविधान और कानून रोक लगाता है, यानी कि आप अपना विश्वास रखिए, लेकिन ऐसा भी कुछ न बोलिए, ऐसा कार्य न करिए जिससे कि दूसरे की भावनाएं क्या हो आहत। अगला देखिए, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। धर्म अब ये है कि क्या धर्म की स्वतंत्रता में धर्म परिवर्तन का भी अधिकार है, तो आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से। याद रखिए, भारत में आपका धर्म परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें रोक नहीं है, लेकिन कैसे, जोर जबरदस्ती करके कि स्वेच्छा से, स्वेच्छा से, इसमें कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर आपका इरादा धर्म की मान्यताओं को मानने का न होकर कुछ और है, तब तो भाई धर्म परिवर्तन को रद्द कर दिया जाएगा, और इसमें दो केस आपको कम से कम याद करना पड़ेगा, एक आपका लीली थॉमस और दूसरा सरला मुदगल। कौन सा केस? लीली थॉमस और सरला मुदगल, कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और इस आशय से केवल कि हम अपने पर्सनल लॉ से बच जाएं, तो ये धर्म परिवर्तन अवैध होगा, वैध नहीं होगा। यानी कि इरादा आपका नेक हो, कि आपका कह सकते हैं कि दुर्भावनापूर्ण हो, नेक हो, बुरा न हो, ये आपका धर्म की स्वतंत्रता। इसके बाद आपका उपासना, अंत में उपासना, उपासना यानी कि पूजा पाठ, इबादत कहिए। उपासना का मतलब ये हुआ कि आप चाहें जिस तरीके से भगवान को उपासना करिए, पूजा पाठ इबादत करिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि चाहे पूरब खड़ा होकर जल चढ़ाइए, पश्चिम चढ़ाइए, लेकिन लोक व्यवस्था को भी थोड़ा क्या रखना पड़ता है ध्यान, वो तो आगे बताया जाएगा। लेकिन उपासना यानी कि इबादत या पूजा पाठ की भी, चाहे मंदिर में पूजा करिए या घर पर करिए या संगम में खड़ा होकर करिए, आपका कोई रोक टोक नहीं, लेकिन लोक व्यवस्था भी थोड़ा है, आगे बताया जाएगा। इस प्रकार आपका समता देखा जाए। भाई अगला, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो अगला क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समता की बात की गई है? दो प्रकार, एक प्रतिष्ठा की और दूसरा किसके, अवसर की। तो फिर पूछा जाता है कि ये प्रतिष्ठा माने इज्जत की, यानी कि आपको हर एक जगह इज्जत मिले, सम्मान मिले, और अवसर की आपका मत सर की समता होगी। ये किस अनुच्छेद में समाहित है? 14 में भी है, 15 में, और शुद्ध रूप से 16 में। जाकर देखिएगा कि अवसर की क्या लिखी गई है, समता किस अनुच्छेद में? 16 के पहले ही खंड में लिखा गया। आप एक बार बैठ देखिए, अवसर की क्या होगी, वो अलग बात है कि उसका विशेष नियम है, लेकिन सामान्य नियम तो ये होगा कि लोक नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की क्या होगी। तो जो ये तो आपका समता कितने प्रकार के उद्देश्य का में दी गए, दो, कौन कौन, प्रतिष्ठा और किसकी। तो फिर एक बार भाई लास्ट में क्वेश्चन निकालिए, कितने प्रकार के न्याय की अवधारणा की गई है? तीन। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? पांच। समता कितना? अब क्रम से एक बार लास्ट में याद करिए, न्याय कौन कौन सा, तो पहला सामाजिक, दूसरा क्रम आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। अब आपका स्वतंत्रता, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। असमता कौन है? प्रतिष्ठा तथा अवसर। तो
अभी आपका साइंस का क्लास चलेगा भाई, टीपीए की क्लास कल कम थोड़ा संविधान पढ़ाएंगे आपका। एक बार देख नहीं पाया आज, घड़ी भी फ्लो में आदमी, तो कल आपका चला जाएगा, थोड़ा पहले रोक दिया जाएगा। माने संविधान का क्लास आपका इस 11:15 बजे तक रोक दिया जाएगा, ताकि 45 मिनट कम से कम टीपीए शुरू हो, तभी साइंस का जीएस का क्लास चलेगा। आज नहीं आ पाएंगे? आए हैं भाई? नहीं आ गए ना सर हो? हाँ तो 10 मिनट बचा है, 10 मिनट ब्रेक ले लीजिए, तब भाई साइंस की क्लास चलेगी आपका। चलेंगे चलाएंगे ना क्लास? हाँ चलेगी भाई।